हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम लाल किताब वास्तु की बात करेंगे। इस वास्तु में, अच्छा, लाल किताब जो वास्तु है वो जो अपना सादा वास्तु है, जेनरिक, वो वास्तु नहीं है, ये एस्ट्रो वास्तु है। इसे क्यों एस्ट्रो वास्तु कहते हैं? क्योंकि इसमें कुंडली को भी देखा जाता है और कुंडली के हिसाब से घर के डायरेक्शन में क्या दिक्कत है इसको देखा जाता है, तो ये ज़्यादा सटीक है और ये बहुत सरल भी है। लाल किताब वास्तु आप बहुत ही आसान तरीके से अपना वास्तु चेक करते हैं। अब कोई ये प्रश्न पूछेगा कि हमें कुंडली देखनी है या वास्तु देखना है, एस्ट्रोलॉजी करना है या वास्तुशास्त्र करना है। तो ऐसा नहीं है, पहले तो हम, जहाँ तक कि कुछ समस्या आ रही है, तो पहले हम एस्ट्रोलॉजी का ही सहारा लेते हैं, मतलब कुंडली देखते हैं। अब कुंडली में अगर हमें समस्या पकड़ में नहीं आ रही है तो फिर हम वास्तु देखते हैं, ये कभी भी याद रखना। डायरेक्टली वास्तु देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, ये भी याद रखना। तो जब हम वास्तु की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्शन यानी कि दिशा, इसका बहुत महत्व रहता है। तो हर कुंडली में हम कुंडली से देखते हैं दिशाएं, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो अभी ये चीज आपको देखना है कि हर घर जो रहती है, हर भाव जो कुंडली में रहता है, 12 भाव है, सबके डायरेक्शन है, और जो हर प्लैनेट है, 9 प्लैनेट है, उनकी भी दिशाएं हैं। तो अब हम जानते हैं कि किस तरह से ये है, ठीक है? तो इससे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। हर ग्रह की एक दिशा होती है, तो हर घर की भी दिशा होती है। घर यानी कि जो कुंडली में जो घर रहते हैं, 12 घर, उनकी भी दिशाएं रहती हैं। लेकिन हर ग्रह जो है, 9 ग्रह हैं, उनकी भी दिशाएं रहती हैं। तो अब हम देखेंगे जैसे हम अगर सन को देखेंगे यानी सूर्य, तो सूर्य की कौन सी दिशा है? वो है ईस्ट। फिर आता है मून, मून की कौन सी दिशा है? चंद्रमा, चंद्रमा की दिशा है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? और बृहस्पति, बृहस्पति की है नॉर्थ ईस्ट। फिर उसके बाद राहु की देखें, राहु की है साउथ वेस्ट। मर्क्यूरी की देखें, मर्क्यूरी की है नॉर्थ। वीनस की है साउथ ईस्ट, जबकि केतु की है साउथ वेस्ट, ठीक है? और फिर बचते हैं शनि और मंगल। तो शनि की है वेस्ट डायरेक्शन और मार्स की है साउथ डायरेक्शन। तो इस तरह से आपने देखा कि
ग्रहों की भी एक दिशा होती है। तो वास्तु में तो ये पूरा ग्रहों का ही मतलब दिशाओं का ही खेल है। तो हमें ग्रहों की दिशा भी देखनी है, घरों की, जिस घर में है वो, उस घर की दिशा क्या है, उससे भी हमें पता चलेगा। तो ये लाल किताब के वास्तु है।